अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो हाँ जी, वो जैसे आप देख सकते हैं मोर जो है आउटसाइड, और जैसे सभी को पता है कि मुहर्रम स्टार्ट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुहर्रम के लिए मैंने घर में करनी है नियाज, तो नियाज के लिए हमने चीज़ें चाहिए। तो उससे पहले हम दोनों जाएंगे नियाज के लिए जो चीज़ें चाहे शॉपिंग करेंगे, नहीं पहले जाएंगे कुछ खाएंगे, कुछ एनर्जी गेन करने के बाद फिर जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। तो वही जहाँ पे हमें लास्ट टाइम मिली थी, क्या तो लास्ट टाइम के लिए लास्ट टाइम जब मैं उस जहाँ पे गए थे नाश्ता करने, तो वहीं पे जा रहे। कम सोया बाबा, तो कैसा दिया सोया। आज के लिए जो चीज़ें मैं बनाने जा रही हूँ वो है छोला गोश्ती और सेट हैंड्स में ना यहाँ पहुँच गए हैं कैफे इस ओपन नाउ। आई होप आज हमें कुछ मिलेगी खाने के लिए। तो जी वह जैसे आप देख सकते हैं नाश्ते के लिए जो चीज़ मैंने मंगवाई वो है लैम्प आया, बहुत खूबसूरत लग रहा है, खाने में भी मज़े में होगी। और साथ में हमारे पास एक नान और थोड़ी सी जो है ये सैलेड है आई थिंक सो, और ज़बरदस्त किस्म का हमारे पास है दूध पत्ती छाया कुछ है। तो सामने हमारे पास खूबसूरत सा व्यू भी है जैसे आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो नाश्ता इंजॉय करते हैं आपके साथ शेयर करते हैं। ये चाहिए जो आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ये सारे मैंने निकाले हैं और जो खाना खा रहे वो ये बहुत ही मज़े की है। तो जी बस जैसे आप देख सकते हैं मैंने खा ली और बहुत ही मज़े की थी, बहुत ही मज़े की। चाय थोड़ा सा रह गया, चाय पी के फिर जाऊँगी शॉपिंग की तरफ, देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें लेनी है। गोश्त दूसरे शॉप से लूँगी और जो दूसरी चीज़ें वो दूसरे शॉप से, और सोया जो है यहाँ पे घूम रही। सो एंजॉयिंग माय बेस्ट टाइम। तो जी बस जैसे आप देख सकते हैं हम लोगों ने नाश्ता कर ली, अब जो है निकल गए वहाँ से, निकल चुके हैं और अभी जा रहे हैं आए। सोया सोया नो रनिंग, सोया नो रनिंग पापा, मेन रोड है। गिव योर हैंड।
और जोया को यहाँ की जो रोटी है मींस नान बहुत ही उसे पसंद आई है, तो मैंने इसके लिए एक्स्ट्रा नान ली है। जो नाश्ते बहुत 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 मज़े के होते हैं, पाया भी बहुत ही मज़े की थी। अब ये है कि हम लोग जा रहे हैं आई जे, हम तो आई जे वहाँ से मैंने हलवा लेनी है, हलवा नाश्ता कह रही है। तो मैंने उनसे पूछी हलवाई समंदा कहाँ पे मिलती, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे है, तो यहाँ से जाके हलवाई समंदा लेंगे, फिर इंडिया शॉप पे जाऊँगी, वहाँ से मैंने जो है ग्रोसरी करनी, यहाँ से नहीं करूँगी, यहाँ से थोड़ी सी तो यहाँ से मुझे पसंद नहीं है। तो ये रही आई जी, यहाँ से मैंने लेनी है हलवा समनक। कम ऑन ज़ोया, रन, जंप, हला जंप दिखा, गुड जॉब, वॉक वॉक वॉक, दिस वे ज़ोया, दिस वे, Let's go walk walk. Halk bache mo pri. Ehtiyat ko bache. Jump niya. No jumping. Walk walk, run. जैसे आप देख सकते हैं मैंने मीट ली है, और साथ में हमारे पास है ये, साथ में हमारे पास है ये चिकन, रेडीमेड चिकन कुक, और जो कि बहुत ही मज़े की होती है। ये मैंने इसलिए ली है ज़ोया के लिए, इसने अभी तक कुछ नहीं खाई है सुबह से लेकर अभी तक, तो इसे चिकन पसंद है। आप घर जाकर घर में कुक करो तो टाइम लग जाएगी, तो इसी वजह से मैंने ये रेडीमेड कुक चिकन ली है, बहुत ही मज़े की होती है। तो हम लोग पहुंच गए गाड़ी के पास, आप ले सकते हैं हम लोग गाड़ी में हैं, और इतनी देर हम दोनों जो बाहर थे मौसम बहुत ही क्लाउडी थी, अब जब हम दोनों जो है गाड़ी में बैठ गए हैं तो अभी जो है सूरज बाहर आ गया और बहुत प्यारा सा धूप है। जैसे मैंने बताया कि ज़ोया को भूख लगी है, तो उसको मैंने ये चिकन ली, ये जो है चिकन कुक होता है बिल्कुल मज़े की होती है, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस होता है पूरा चिकन, जो आप चरगा कह सकते हैं $100 में। अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाए बहुत ही महंगा होता है, लेकिन आई जी में बहुत ही मुनासिब प्राइस और बिल्कुल स्पाइसी नहीं होती, स्पेशली बच्चों के लिए। तो ये रेस्टोरेंट भी नहीं खाई मैंने, इसके लिए रोटी ली, तो रोटी तो थोड़ी बहुत इसने खा ली, फिर इसे दोबारा खाना छोड़ दिया। अब इसलिए मैंने चिकन ली है, अभी जब अब जाके इसने खाना स्टार्ट कर ली है, तो जितने भी मैं खा लूँ जब तक ज़ोया ना खा ले, तो वो जो खाना है ना मुझे हज़म नहीं होते, अब जाके मुझे डाइजेस्ट हुई है। सो एनीवेज अब जा रहे हैं इंडियन शॉप, वहाँ से जैसे मैंने बताई थी अब जो है मुझे वो दाल वगैरह लेनी है, इंडियन शॉप से दाल वगैरह अच्छी क्वालिटी की मिलती है, तो वहाँ से मैं वो जाके लूँगी, फिर जाएंगे घर की तरफ। उसके बाद मेरा क्या प्लानिंग होगी वो आपके साथ शेयर करनी है, और इस अभी जो है सारी चीज़ें घर जाके ड्रॉप करूँगी, फिर अगर मुझे टाइम मिल गई तो मैंने कार की जो है क्लीनिंग भी करनी है, इंसार जो है वैक्यूम करनी है, क्योंकि ज़ोया ने अगेन बहुत 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 इसने फैलाई हुई सारी चीज़ें। सो एनीवेज आपसे मिलूंगी इंडिया शो पे, स्टे ट्यून्ड विद अस। तो हाँ जी बस, जैसे आप देख रहे हैं मैं अभी आई हूँ बनिंग, और जो इंडियन शॉप से फ्री होने के बाद मैं घर जाकर ये सिलेंडर उठा के लाई हूँ, क्योंकि सिलेंडर ख़त्म हो गए थे। जैसे लास्ट टाइम मैंने घर में नियाज की थी तो सिलेंडर में गैस था ही नहीं,
मतलब है घर में एक और, उसमें थोड़ा बहुत बच गया है, बट आई नीड के इसमें मैं जो है फिल कर दूँ। सो मैं जो आए हैं बनिंग, तो देखते हैं। بچم خدا نو کوئی تگیرنگا نا تا سلینڈر میں سکھو تو یہ دیکھے ہم لوگ آگے ہیں نو تو یہ رہی گیس اسٹیشن تو ابھی مجھے سلینڈر یہاں پہ رکھ دینی ہوگی جیسے لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو دکھائی تھی کتنے خطرناک پوزیشن پہ ہے یہ خالی ہے پھر بھی ڈر لگتا ہے مجھے تو یہ رہی اب چلتے ہیں پیمنٹ کرتے ہیں اور لیتے ہیں نیو ون اچھا یہاں پہ پرائس لکھی ہوئی ہے چلو اچھی بات ہے لیٹس گو سو یا اب اینا بھی دی بیگ مرا تو سلینڈر تو لے لی بہت ہی بھاری تھی اس کا وزن کتنا 8.5 kg صرف گیس کا جو ہے ویٹ ہے جو سلینڈر کا ویٹ بہت بہت زیادہ بھاری تو یہ دیکھ بے چینی کر رہی یہ کہہ رہے کہ اندر نہیں جائے لیٹس گو سیٹ سو یا چلتے ہیں آپ سے گھر پہ ملیں گے ابھی یہ سویا جو ہے تنگ کر رہے ہیں مجھے السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں زویا بھی ٹھیک تھی جیسے کل کا دن آپ سبھی نے دیکھا کہ میں نے شاپنگ کی تھی نیاز کے لیے تو آج جو ہے انشاءاللہ جو ہے نیاز سٹارٹ کر رہی ہوں تو کل جو ہے میں بہت ہی تھک گئی تھی اور جیسے آپ نے دیکھ لیا کہ زویا تنگ کر رہی تھی وہ چاہ رہی تھی کہ اسے میں کہیں لے جاؤں تو اینی ویز تو وہاں سے فری ہونے کے بعد گھر آتے ہی میں نے جو چیزیں جو ہے بھگو کے رکھی ہے وہ ہے میرے پاس لال لوبیا آلموسٹ یہ میں نے لی ہے یہ میں نے 1/2 kg لال لوبیا لے کے دو کے اور بھگو کے پوری رات میں نے رکھ دی ہے اور ساتھ میں ہمارے پاس ہے 1 kg بناسپتی چاول یہ بھی میں نے بھگو کے رکھ دی ساتھ میں ہمارے پاس ہے سفید لوبیا یہ بھی 1/2 kg ہے اور ساتھ میں ہمارے پاس ہے چنا یہ بھی میں نے 1/2 kg سے تھوڑا زیادہ لی ہے تو یہ چار جو ہمیں چیزیں مین چیزیں ہیں کھانے کے لیے بھگو کے رکھ دی اور ہاں اور ساتھ میں نے جو ہے گوشت جو ہے میں نے 3 kg لی ہے اور یہ بھی میں نے 2 کے رکھی دی تو سب سے پہلا میرا کام کیا ہے میں نے گیراج میں جا کے سیٹ اپ جو ہے ارینج کرنی ہے اجان واٹس رانگ واٹ تھینک یو زویا تو سب سے پہلے جو ہے گیراج کو میں نے سیٹ اپ کر کے رکھ دینی ہے آج کے کوکنگ کے لیے تو اس کے بعد میں نے یہ گوشت جو ہے کوکر میں رکھ دینی ہے تاکہ یہ جلد سے جلد نرم ہو جائے میں واٹر ہمارا یہ بخیا ہستہ ہم نے گرم آؤن رکھ دوں اوکے یہ بہت ہی ٹھنڈا پانی ہے تو یہ سے پی رہی تھی میں نے کہہ دیا آؤن سوچے رہے آپ سے ملوں گی کوکنگ کرتے وقت سو ٹل دے اسٹے ٹیون وتھ اس جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے میں نے گوشت جو ہے ابھی پریشر کوکر میں ڈالنے جا رہی ہوں میں سب سے پہن رہی گلوز کیوں گلوز پہننا مسٹ ہے سو یہاں پہ ہمارے پاس 3 kg گوشت ہے تو بیف کا جو ہے گوشت لی ہے میں نے تو آلموسٹ میں اسے 2 حصوں میں ڈال کے رکھ دوں گی نرم ہونے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ رہی گوشت اور میں
में जो डाले जा रहे हैं वो है लहसुन अदरक पेस्ट। मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पे अदरक का जो पेस्ट होता है इसका स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट जो है हाफ टेबल स्पून में ऐड करने जा रही हूँ अदरक का पेस्ट और लहसुन ऑलमोस्ट में ऐड करने जा रही हूँ। कल मैं समझ रही थी कि अदरक का पेस्ट जो है गर्म होगी, बट अभी मुझे पता लग गया जो है अदरक का पेस्ट, अदरक का पेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गए, तो मैं ऑलमोस्ट में ऐड करने जा रही हूँ 2 टेबल स्पून जो है लहसुन का पेस्ट। आपके साथ एक ट्रिक शेयर करूँ, सपोज ओपन कर सकते तो यूँ नाइफ के साथ इसके ढक्कन पे थोड़ा स्मॉल सा होल कर दे, होल करने के बाद भी आसानी से ओपन होती है। तो इसमें बिस्मिल्लाह 2 टेबल स्पून हम लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक आज बहुत बहुत, और जो है बर्ड बहुत ही शोर मचा रहे हैं बेहद ज़्यादा, और साथ में नमक 1 टेबल स्पून इन ईच केजी। तो ये ऑलमोस्ट डन हो गए। अब इसमें हमें ऐड करना है गर्म पानी, ना कि ठंडा पानी, ये चीज़ आपने माइंड में रख देनी है। तो ऑलमोस्ट इसमें हमने ऐड करनी है 2 लीटर पानी। पानी अगर ज़्यादा भी हो गई तो कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि हमने पानी को जो है जो शोला में उसमें ऐड भी कर सकते हैं। तो चलते हैं इसमें ऐड करते हैं गर्म पानी। छोटा साइज में देख चीज़ इसकी है, क्योंकि आई थिंक ये आज के जो रियाज है हाथ से खासी है। तो सबसे पहले जो ऐड करने जा रही हूँ वो है ये लोबिया। तो लोबिया जो है मैंने इसके पानी जो है निकाल दी है, क्योंकि लोबिया के पानी ऐड करने से जो शोले का रंग है थोड़ा सा लाल होती है, तो मुझे लाल नहीं चाहिए। तो बग़ैर पानी के मैं अब डालने जा रही हूँ लोबिया। आप ऐड करने साथ में हमारे पास है चना, इसमें चावल, तो हाँ जी बस जैसे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मैंने ऐड कर ली हैं। अब जो है इसमें हमने डाल देनी है टैप वाटर, नलके का पानी डालना है हमने, गर्म पानी नहीं डालना है, क्योंकि इसे जो है जो जितने भी हमारे पास जो ये चने वगैरह सब कुछ है भी जल्दी से नरम नहीं होगी। तो ये बेस्ट टिप है कि आपने इसमें नलके का पानी इस्तेमाल करना है रूम टेम्परेचर पर। तो ऑलमोस्ट इसमें हम ऐड करेंगे 5 लीटर जो है टैप वाटर। तो हाँ जो इसमें मैंने 5 लीटर जो है टैप वाटर ऐड कर ली है। अब इसे हमने रख देंगे उबलने के लिए, ताकि जो है ये जल्दी से उबल जाए, क्योंकि पानी भी ठंडा है तो टाइम लगेगी उबलने के लिए। तो साथ में मैंने गोश्त भी रख दी है जो है वो नरम हो जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए कि हमने क्या करनी है। तो फिलहाल इसे रखते हैं उबलने के लिए, जो उबल जाएगी फिर आपको बताऊंगी इसके बाद हमने क्या करनी है। सो टिल द स्टेज इस स्टेज पे आपने आंच बिल्कुल हल्की रख देनी है और ढक्कन बिल्कुल नहीं लगानी, क्योंकि ढक्कन लगाने से जो है ये ओवरफ्लो होगी।
तो जो चूल्हा है, जो आपका स्टोव है, तो डेगची है, किचन सारा जो है फिर मैसी हो जाएगा। स्टेज पे उबलने के बाद आपने ढक्कन हटा देनी है, फिर आपने इसे हल्के आंच पे रख देनी है और बार बार जो है बीच में हिलाते रहना है ताकि जो ये और फ्लो ना हो। तो अभी जो है इसी तरह मैं करती जाऊँगी जब तक के सारे जो चीज़ें अच्छी तरह से ये जो है गल जाए, और गलने के बाद फिर आपको दिखाऊंगी हमने क्या करनी है। तो जी बस जैसे आप देख रहे हैं आज का वेदर बहुत ही खूबसूरत सा वेदर है, हवा नहीं चल रही है, क्लाउडी सा वेदर है और साथ में धूप भी निकल रही है बीच बीच में। तो अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया है, तो यही दिल चाह रहे हैं कि टेबल और अपना चेयर बाहर आके लगा दूँ, क्योंकि मुझे कुकिंग भी करनी है और साथ में जो है मैंने चाय भी पीनी है। तो घर में बैठ कर बार बार निकलना आना जाना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रही है मेरे लिए। तो अभी चलती हूँ, अपने लिए एक चाय बना लेती हूँ और साथ से थोड़े से बिस्किट, ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलते हैं और इंजॉय करते हैं। आज जैसे देख सकते हैं नेबर्स के यहाँ ट्री पे ऑरेंज जो है लगा हुआ है, कितनी खूबसूरत लग रही है। मैं भी कभी कभार सोचती हूँ कुछ ऐसी चीज़ें कर लूँ कि जो है गार्डनिंग वगैरह ये सब कुछ, बट टाइम चाहिए। और कल रात से मैंने ये लाइटें बंद की है मुहर्रम की वजह से, जब मुहर्रम ख़त्म होगी दोबारा ये लाइट। चाय बना लेते हैं, आपसे मिलूँगी इसी दौरान, लाते रहेंगे ताकि जो ये नीचे से ये जो है लग न जाए। तो डेट्स वाई इसे हम इसी तरह हिलाते रहेंगे अच्छी तरह से। और इसमें सबसे मेहनत वाली काम यही है कि आप इसे हिलाते रहना है जब तक सारी चीज़ें एक जान ना हो। जैसे आप जैसे अभी तक जो दूसरे जो चने और लोबिया वगैरह अभी तक जो है ये इसे हिलाते रहेंगे आलमोस्ट जब तक ये अच्छी तरह से गल ना जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक टाइम बहुत है इसे बनने के लिए, और शोला जो बनाने के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम और सब्र होने वाली जो कुवत है वो होनी चाहिए, अदरवाइज आप इसे फिर सही से नहीं बना पाएंगे। तो इसे ढक्कन लगा कर रखो। जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे भी नाश्ता करने जा रही हूँ, बड़े मज़े के हैं। जोया ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं ना, वो लोग ये ट्राई करें, कौन से मिलती है, बहुत बहुत ही मजे की होती है। कल रात भी जब मैं तक के अपने लिए चाय बना ली तो उस टाइम भी मुझे ये बहुत पसंद आई थी, तो मैंने हाफ जो पैकेट है उस टाइम खा ली और अब हाफ पैकेट अभी खा रहे हैं चाय के साथ। एक्चुअली ये कोकोनट जैम है, मैं भूल गया इसके नाम जो है नोट करना। जो यार जो है लुक ब्रेन जी बच्चे ना जोया जान जोया तो हाँ जी वर्स जैसे आप देख सकते हैं जब ये इस स्टेज पे पहुंच जाएगी और स्टिल आपको ये महसूस हो कि जो चने हैं या लोबिया वो अभी तक नहीं गल चुके हैं, तो आपने क्या करना है, आपने 3 लीटर और जो है इसमें गर्म पानी, इस बार जो आपने गर्म पानी ऐड करनी है, क्योंकि अगर आप गर्म पानी ऐड नहीं करेंगे ये जो है गाढ़ा होता जाएगा। मैं अभी यही करने जा रही हूँ, जो है पानी गर्म पानी इसमें ऐड करूँगी। Thank you.
तो हाँ चिवल जैसे आप देख सकते हैं गोश्त जो है नरम हो गई है, तो इस वजह से अभी जो क्या है मैं सिर्फ पानी जो है गोश्त जो है पानी से अलग कर रही हूँ, और जो इसी पानी में फिर मैं दूसरा जो गोश्त रह गई है ऐड करूँगी, एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करूँगी। तो इस तरह से जो है ज़्यादा पानी जो शोरबा हाँ पास नहीं होगा, हमें ज़्यादा शोरबा नहीं चाहिए, बस जितना है उतना काफ़ी है। और गोश्त माशाल्लाह बहुत अच्छे से नरम हो गई, जैसे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से नरम हो गई है। आप गरम गरम जो है इसका रिशा बनाएंगे तो बहुत जल्दी होता है, अदरवाइज ठंडी होने पर बहुत ही सख्त होता है गोश्त और इजीली से जो है इसका रिशा जो है नहीं बनता। तो अभी वही मैं करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं स्पून के साथ प्रेस करूँगी ताकि जो इसके रिशे हैं वो इजी से बन जाए। जैसे आप देख सकते हैं ये बहुत ही गर्म है, जब आप इसे स्पून के साथ प्रेस करते जाएंगे तो इसका रेशा खुद ब खुद बनता जाएगा। तो ज़रूरी ही नहीं है कि आप इसे जो है हाथों के साथ या करते जाएं और उस तरह से, तो ये बहुत शोर मचा रही है। तो अब जैसे देख सकते हैं बहुत इजीली के साथ हो रही है, तो ज़्यादा मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। नरम हो गई है, नरम हो गई है लेकिन नहीं गली। जब ये आप फिर करेंगे ये नरम हो गई है तब आपने इसमें ऐड करना है ये गोश्त। तो जी बस तड़के के लिए हमें जो चीज़ चाहिए वो बनाने जा रही हूँ। तो तड़के के लिए हमारे पास क्या है, हरी मिर्च सबसे पहले, तो सबसे पहले जो है हमने लेनी है हरी मिर्च। तो हमारे पास हरी मिर्च होनी चाहिए 20 से 25 हरी मिर्च लेंगे, और अभी इसका हमने ग्राइंड करनी है। तो ये ग्राइंड हो गई है, आप देख सकते हैं। अच्छा मशीन है तो खुद लग लग नहीं तुम सोया ये मुर्सुरख खुदा खैर खाना ये खोर्दनी नहीं है बच्चे में मसाला मसाला कसना मुख रहे खाने खाने तू मिठू जोश थे जोया मिठू जोश था मिठू यमी नहीं है बच्चे में मिठू ना मिठू रदने में तो अजान ये देख सकते इसका फाइन जो है इसका जो पेस्ट बना बना ले हरी मिर्च की फाइन पेस्ट बन गई। आजान व्हाट ओ ये ब्लेड ब्लेड चीज नहीं सो आसुन लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है मुझे तंग कर रही है। तो जी बस हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करने के बाद अब इसमें हस्बैंड ऑयल ऐड कर जान
वाओ जो है कुकिंग ना, तो ऑलमोस्ट हम लेंगे एक लीटर जो है ऑयल, सो एक लीटर ऑयल लेंगे। अगर कम पड़ के एट द एंड हमने ऐड करना है, फिलहाल हम लोग लेंगे एक लीटर ऑयल। और मैं हमेशा जो है जो तेल का जो बोतल है टिशू के साथ क्लीन करती हूँ, क्योंकि तो अब चलते हैं, इसे रखते हैं चूल्हे पे ताकि हमारा जो तड़का है वो रेडी हो जाए और जो गोश्त है वो भी जो है रेडी हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट हम लोग एंड स्टेज पे पहुँचने वाले हैं, सो रखते हैं इसे चूल्हे। अब जो है ऑयल और हरी मिर्च डाल दी है, अब इसमें अदरक का पेस्ट, साथ में हमारे पास होगा गरम मसाला और लाल मिर्च। जान तड़का है रेडी हो गया। ज़्यादा हम इसे नहीं भूनना, अदरवाइज जो उसका वो मसाला है वो जल जाएगा। ये रही आज का जो तड़का है वो रेडी हो गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस तड़का भी रेडी हो गई, जो ये गोश्त है ये भी पिघल जाए, नरम हो जाए, फिर देन जाके शोला में ऐड करने। केक बेक जुया ने केक बनाई है, डन डन यस। I already did. No need to you turn on. ये खतरे की बात है, that's not safe. We can't touch it, that's not safe. Yeah. What, Zoya? Yeah. Cook so. Want to open? Okay. Yummy. Zoya make a heart shape. Thank you. अब इसका चलते देखते setup. इसका setup क्या है? ये देखिए इसका सामान, या वाह जोया बेकिंग मोना। बच्चे हम सामान किचन तमाम में जो होते, ये देखिए इसने सारी चीज़ें, इसका जो ड्रॉअर में होती है ना, इसे सब कुछ पहला दिया है। अब मुझे ये सब चीज़ कलेक्ट करनी पड़ेगी। वाह मैं सद के जिशन हूँ। बच्चे मैं तुम मिसने मामा खाली कुकिंग मोनी आजोया जान मा, ये बड़ी होगी मेरी तरह कुकिंग ही करेगी मज़े मज़े की। ओ खुदा तो ख़बर दरा, ओ खुदा की तड़का मजमनिश बुर मुशना आदिल बरोई माँ जिगरोई माँ अल्लाह मसदका अल्लाह मशदका। ये सारी चीज़ें ना चाइल्ड केयर से सीखी हैं मैंने, इसे कुछ नहीं सिखाई ये चीज़ें ये करने की, ये जो तरीका होता है सारी चीज़ को अरेंज करने का, तो वहाँ जाने का ये देख ले बेस्ट बेस्ट जो होता है। ज़्यादा दिन टीवी के साथ बैठने से बेहतर है मोबाइल आईपैड से ये चीज़ें सीखें। अम्मा शर्त के तशर मादरों में ब्याह ब्याह होता है और हर चीज़ अवेलेबल होता है बच्चों खेलने के लिए करते हैं और बच्चों को सिखाते हैं कि किचन की चीज़ें यूज़ होती है, इस तरह इस्तेमाल होते हैं। रेडी, अब देखिए इसे ये बता रहे कि डन इज डन नाउ इज रेडी, देख ले। माइट नॉट सेफ एट होम, बच्चे मुनार टच ना कुखो खाना।
तो सोए जो है कुकिंग किसकी अभी जारी सारी है मेरी कुकिंग कुकिंग जो एंड पे पहुंचने वाले 10% रहेगी कि वो हो जाए 45 मिनट रहेगी गोश्त नरम हो आ जाए ओके अगेन टेक इट आउट तो मैं हमेशा अपने जो ओवन है ना कुकिंग के बाद बिल्कुल A1 क्लीन करती हूँ तो मुझे पसंद नहीं है जो थोड़ी सी यूज़ हो पे यूज़ क्लीन ना करे तो जोया की जो कुकिंग है अभी जो है कंटिन्यू है मेरी कुकिंग ख़त्म हो गई है और मुझे ये चीज़ें समेटना है दैट्स इट और ये देखचे वगैरह भी मैंने उठा लेनी है क्लीन करके ड्राई करके फिर नमाज पढ़ के फिर आपको बताऊंगी सबसे लास्ट स्टेज जो शोला आज का नियाज है वो मैंने कैसे एंड करनी है इसका फाइनल स्टेप क्या है सो आपसे मिलूंगी एट द एंड तो हाल जी जैसे आप देख सकते हैं ये जो आधा गोश्त बच चुका था रेशिया करने के लिए तो ये भी हो गई है और इसे भी अभी ऐड करने जा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह अभी तक जो है बहुत ही अच्छा सा जो है शोला जो है बन गई है तो अल्हम्दुलिल्लाह बस मौसम अलैहिस्सलाम जो है से अपने दरबार में कबूल फरमाए और आज का नियाज और मज़े भी बहुत अच्छे से बन जाए क्योंकि शोला गोश्त बनाना आसान काम नहीं है बार बार से हिलाते रहना और हर चीज़ मकदार है और बहुत ही सही होना इज दैट इज मेन थिंग तो यहाँ ऐड कर रहे हैं अच्छा मैं चाह रही हूँ कि इसी स्टेज पे जो है जो मैंने तड़का तैयार की है वो ऐड करूँ क्योंकि इससे अगर मैं थोड़ी सी भी ये है तड़का जब ये गिर ना जाए अगर इससे ज़्यादा मैं अगर वेट करूँ तो सारी चीज़ें बहुत ही जो है वो गल जाएंगे तो मुझे इसे गलाना नहीं है बस नरम करनी थी तो जो है मैं ये तड़का ऐड कर इस स्टेज पे तो हाँ जी बस जैसे आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शोले गोश्त जो है रेडी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 अच्छी बनी है और मैं जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उससे भी ज़्यादा अच्छी बनी है तड़का बहुत ही मुनासिब स्पाइसी उतना नहीं है सब कुछ बेहतर स्टेज पे बस बिल्कुल रेडी फातिहा पढ़ ली है दो रकअत नमाज पढ़ ली है बट अभी अब मुझे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करनी है मेरा जो है सब कुछ रेडी हो गया अब तक सिर्फ नहीं जाए जिसे मैंने बताया कि इसमें हाँ जी बस जैसे आप देख सकते हैं ये दो जो है बाल्टी के जो भी कहेंगे ये मैंने डाल के रख दी है वो खुद ही आके ले जाएंगे और जितना भी दूसरा है वो खुद में जा के ड्रॉप कर सो ये रही जो मैंने अभी से इन पे ढक्कन लगाना शुरू किया मैं ढक्कन नहीं लगा रही नो बाबा ढक्कन ना मिल गया क्योंकि फिर जो है इसके बाद की वजह से ये पानी छोड़ना स्टार्ट करेगी जो कि सही नहीं है इसी वजह से मैं ढक्कन के बगैर इसे ले जा रहे अपने साथ सो ये चार है एक बाई के लिए और तीन फ्रेंड्स के लिए उन्हें उठानी थी मैं भूल गई कि अभी ये ना हो कि ये इसे आके ले जाऊंगी तो आप पहुंच गए बाई के घर और
अच्छा मुझे कॉल आ रही है आपसे, मैं मिलूंगी तो देखिए बात कॉल अटेंड कर। व्लॉग की एंडिंग नहीं हो पाई इस वजह से अभी जो है इस इस टाइम जो है मैं व्लॉग ऐड कर रही हूँ, घर जाके व्लॉग एड नहीं होगी। तो मौलाए कायनात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस मुहर्रम में मैंने जो नियाज की है कबूल फरमाए। पूरा दिन कल से और आज तक मैं इसी नियाज में बिजी थी और मेरे साथ जो है जोया बेचारी वो भी डिस्टर्ब थी। तो गाड़ी के लाइट आ रहे, थोड़ी सी जो है हो रही है रोशनी गाड़ी के अंदर। सो मैं अब जा रही हूँ घर और जोया को कुछ देने खाने के लिए, ख़ुद भी जो है नमाज पढ़ूँ कुछ खा लूँ। तो आप सभी ने हमें दुआओं में ज़रूर याद रखनी है और जब ये आप हमारी घर में नियाज देखेंगे तो आप लोगों ने ज़रूर कहना है कि अल्लाह पाक कबूल फरमाए। सो आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।